हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है बजाज प्लैटिना 110 सीसी। और इस बाइक में हो क्या रहा है, बार बार बैटरी चार्ज करके बाइक को चला रहा है, यानी कि चार्ज खत्म। तो आज इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी जो समस्या होता है तो मैकेनिक भाई यानी कि डिसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कभी आर इन्वर्टर चेंज कर देते हैं, कभी कभी क्या करता है आर्मेचर कॉइल चेंज कर देते हैं। तो ये सब ना करके आप लोग कन्फर्म हो गए यानी कि चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो एक्चुअली बैटरी चार्ज की जो समस्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ को चेकअप करें जिसमें कि हम लोग को पता चल जाए, वही इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कराऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं बाइक में जो बैटरी चार्ज कितना वोल्ट है, लगा के रखो। माल्टीमीटर को कूड़ी पे करना है, इसका वोल्ट है 12 वोल्ट साइड पॉइंट। चलो इग्निशन ऑन करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं और वहां देखिए 12 वोल्ट 62, 63, 64 कुछ इस तरह के आ रहा है, यानी कि 14 के आसपास आना चाहिए। चलो बंद करते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी का टर्मिनल खोलो इसमें। अब बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप हम लोग इसी तरह से चेकअप करते हैं, क्योंकि अगर बाइक में बैटरी का वायर खोलने से अगर बाइक में स्टार्ट नहीं होता है तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअली कैसे हम लोग चेकअप करें। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग का बाइक स्टार्ट हो गया है, देखिए बाइक स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ हम लोग का मल्टीमीटर में शो क्यों नहीं कर रहा है। इस पे हम लोग लैंप लगाएंगे, लैंप लगा के चेकअप करेंगे यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाता हूँ बैटरी का लैंप जल रहा है। अब एक काम करो, एक इस पे लगाओ, ठीक है। अब हम लोग बाइक का स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम लोग का लैंप जल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हम लोग का लैंप जल रहा है, यहाँ भी लैंप जल रहा है, इसका मतलब DC वोल्टेज हम लोग का कन्वर्ट होकर RR यूनिट से आ रहा है, लेकिन 14.5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है वही हम लोग देखेंगे। बंद करो, बोलो बैटरी का तार लगा दो। सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो आर्मेचर कॉइल से हम लोग का परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। लैंप दीजिए, आप कहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दो वायर जो है ये हम लोग का आती है कहाँ से, आर्मेचर कॉइल से, ब्लू में व्हाइट और ब्लू में रेड। अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं इग्निशन बंद रखो। तो फ्रेंड्स देखिए, इग्निशन बंद करके हम लोग चेकअप करेंगे तो यहाँ से जो आर्मेचर कॉइल से वोल्टेज जो आता है परफेक्ट आता है। लैंप देखो कितना तेज से जल रहा है, अगर बाइक हम लोग स्टार्ट करें तो लैंप कट जाएगा। तो यहाँ पता चला क्या, जो हम लोग का आर्मेचर कॉइल सही है। अब बाइक में हम लोग का आर यूनिट काम कर रहा है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर है, इसे कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। इसको खोलो चाचा। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट में हमने भेजा था और कैपेसिटर लाने के लिए और चार्जर लाने के लिए। तो आपको रीजन बता देता हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि अभी मार्केट में चार्जर भी नहीं मिला और कैपेसिटर शायद तो मिल जाता, लेकिन कस्टमर का कहना है कि हम पूरा सेटी लगाएंगे, तो अभी मार्केट में नहीं मिला, इसीलिए यानी कि कैंसिल हो गया। जब आएगा तब वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को बता देता हूं। फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों ने देखा आर्मेचर कॉइल से जो वोल्टेज आएगा वो एकदम 100% हम लोग का लैंप जो है तेज से जल रहा है। अब वहां से आने के बाद इसके अंदर हम लोग का घुसता है, अब घुसने के बाद RR यूनिट हम लोग का परफेक्ट जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज रेडी करके AC में DC कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज को देता है। अब बैटरी चार्ज को देने के बाद इग्निशन स्विच में एक वायर जाता है और इग्निशन जब हम लोग ऑन करते हैं, बैटरी चार्ज अगर नहीं रहेगा तो यहाँ से जो व्हाइट कलर की वायर है ये हम लोग का पूरे बाइक में हम लोग का DC वोल्ट कन्वर्ट सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हम लोग का पावर है कम गया है। अगर कैपेसिटर हमको मिलता तो कैपेसिटर लगा के देखता, कैपेसिटर का काम क्या है, वोल्टेज को खींचना आर्मी, ठीक है। क्योंकि अगर जो व्हाइट कलर में हम लोग का वायर होता है, इससे एक रेड कलर का वायर लगा हुआ है और ब्लैक एक बॉडी अर्थिंग जो ब्लैक में ब्लू है, तो ये क्या करता है, खींचता है वोल्टेज को, खींचने के बाद ही बैटरी चार्ज को दे पाएगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर आप लोग लगा के देखे, अगर नहीं होता है तो आप लोगों को पूरा सेट यानी कि RR यूनिट बदलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा,
जो आरआर यूनिट या कैपेसिटर का कारण ही ऐसा दिक्कत होता है, वोल्टेज हम लोग का ठेल नहीं पाता है। लेकिन इस बाइक में हम लोग का आर्मेचर कॉइल सही है, मजबूरी में आप लोगों को दिखा नहीं पाया। कस्टमर का कहना है कि पूरा सेट ओरिजिनल मिलेगा तो ही आप लोगों को दिखाऊंगा, बाइक में लगाऊंगा, लेकिन मुझे मिला नहीं। आप मजबूरी में बाइक को इसी तरह से बाइक को दे देंगे, बैटरी चार्ज करेगा और बाइक को चलाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना सा, यहाँ से वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।